बहुत ज़्यादा खुशी है कि पहली बार गोरखपुर में वंदे भारत चल रही है और इससे सभी को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जितनी दूरी थी टाइम कम लगेगा और खास करके स्टूडेंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बहुत खुश हैं कि पहली बार ऐसा मौका मिला है वंदे भारत का। और स्टेशन पे भी तैयारियां लेके चले? हाँ, स्टेशन पे तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, सब सजाया गया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कुछ बदलाव हुआ है मोदी जी के आने से, और उनको बहुत बहुत थैंक यू है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। और यकीन है कि और भी ट्रेनें वो ज़रूर चलवाएंगे दिल्ली तक के लिए, अभी तो यहाँ से लखनऊ तक के लिए चल रही है, दिल्ली के लिए भी वो ज़रूर चलवाएंगे, इससे सबको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। तो स्वागत करते हैं, बहुत दिल से स्वागत है जी। गोरखपुर को तो बहुत खुशी है, लेकिन पूरे भारत को बहुत गर्व होना चाहिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया का वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलने वाली है गोरखपुर को 7 जुलाई से, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। जल्दी जो भी यहाँ लखनऊ में रहते हैं जिनका भी ऑफिस है वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा ये मिल जाएगी कि जल्दी पहुँच जाएंगे लखनऊ तक। और भी ये जैसे कि ये बहुत ही हाईटेक वाली बुलेट ट्रेन है इंडिया की, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है ट्रेन में, तो और बहुत ही स्वच्छ है ये ट्रेन। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि बहुत साफ़ सुथरा है इस ट्रेन में, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, तो ये ट्रेन के लिए बहुत अच्छा है और नई टेक्नोलॉजी को इंकरेज करता है, जो कि मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर मोदी जी का भी जो इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। और आने और जैसे कि मोदी जी गीता प्रेस में भी जाने वाले हैं, वहाँ पे भी उनका कुछ कार्यक्रम है, तो उससे भी गोरखपुर में जैसे वो बहुत कई बार आ चुके हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है मेड इन इंडिया वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और जल्दी से जल्दी ऑन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देता है वंदे भारत, इससे हमें बहुत खुशी होती है। जी जैसे मैंने अभी देखा तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, परसों मोदी जी आने वाले हैं, तैयारियों को देख के यहाँ पटरियाँ भी सजा दी गई है बिल्कुल ट्राई कलर में, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे स्टेशन पे देखा जाए तो 2 दिन से स्टेशन भी बंद है इस तैयारियों को लेकर, जो कि बहुत जोरों शोरों से चल रही है तैयारियाँ, तो उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं यहाँ पे गोरखपुर में, वो कई बार आ चुके हैं और फिर परसों भी आने वाले, जो कि बहुत हमें खुशी होती है। मैं अभी मॉर्निंग में मुंबई से आया तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गोरखपुर स्टेशन के आसपास जो है काफ़ी तेजों से काम चल रहा है, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, जो कि वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे लखनऊ से गोरखपुर के बीच में। उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य शहर हैं, इनको कनेक्ट करने से क्या होगा कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए अच्छा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होगा, सबसे बेहतर चीज़ ये होगा कि जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए डेली ट्रैवल करने वाले हैं या यूजुअली वीकली ट्रैवल करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। होप ऐसे ही और ट्रेन प्राइम मिनिस्टर जी और ही अदर सिटीज़ के लिए कनेक्ट करेंगे और बेहतर है। खुशी है मुझे देख के कि काम अच्छे से चल रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शायद मैं भी इसी शहर में रहूँगा तो 7 जुलाई को मैं भी देख सकूँगा प्रधानमंत्री जी के इस आगमन को।